आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी उन प्रोडक्ट्स के बारे में। हम रेनेटस नोवा के बारे में तो हम डेली जानकारी लेते हैं, हम डेली बताते भी हैं लोगों को, लेकिन ये जो हमारे न्यू प्रोडक्ट हैं, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा कढ़ाइयू है और जो हमारा इम्यूजेंट है, उसके बारे में भी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। उसमें भी ऐसे ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जिनके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग वर्क होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में और वो इंग्रेडिएंट कैसे हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। तो एक बार फिर से जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा नाम जैस्मिन कौर बेदी है और मैं बिलोंग करती हूं फतेहगढ़ साहिब से, और बाय प्रोफेशन मैं एक हेल्थ वर्कर हूं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और बात करते हैं हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में। जानने से पहले हम जानते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। शुरुआत हुई थी इसकी 3 जुलाई 2018 को, 5 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, और इन 5 सालों में इस कंपनी ने बहुत बड़ा धूम मचाया है। बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड है जो हमारी झोली में पड़ते जा रहे हैं। अवार्ड रिवॉर्ड तब मिलते हैं जब हमारा काम बहुत अच्छा होता है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। थैंक्स करेंगे प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी का जिन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट हमारी झोली में डाले हैं, और थैंक्स करते हैं हमारे फाउंडर लीडर सभी के रिस्पेक्टेड मिस्टर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, उनकी वजह से ये रेनेटस वेलनेस है, उनकी वजह से हम सभी हैं। और थैंक्स करती हूँ पूरी रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट का जिन्होंने हमें मौका दिया है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्रेनिंग को। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके लिए आपके सामने शो होगी एक PPT। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट जरूरी है क्यों। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी वाई क्लियर नहीं होगी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए क्यों, तब तक हम इसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे और तब तक हम किसी को इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। तो ये क्यों ज़रूरी है? आप सभी को पता है कि दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक ज़रूरी होती है हेल्थ और दूसरी जरूरी होती है वेल्थ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, और मुझे मेरा बैंक बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मेरा बैंक जो है वो हमेशा पैसों से भरा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे बात सोचने वाली है कि पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जब हमारी सेहत ही अच्छी ना हो। आपने करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन क्या करोगे उस पैसे का जब आपकी सेहत अच्छी नहीं है। आपके पास मर्सिडीज है, उस मर्सिडीज का भी क्या करेंगे, जो मर्सिडीज सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर के पास लेके जा रही है आपका BP चेक करवाने के लिए। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है, आप बीच पे घूमने जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, आप उनको बोलोगे आप एंजॉय करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ चेयर पे बैठ के आपको देखता हूँ, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप उनके साथ एंजॉय करेंगे, आप उनके साथ डांस करेंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, इंटरनल हमारी हेल्थ अच्छी है, तभी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी हो पाती है, तभी हमारी जो फैमिली की जो हमारी लाइफ है वो अच्छी हो पाती है। जनरल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तभी हमारी जनरल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारी हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है हमारे जन्म से लेके मौत तक हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब हम माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तभी मदर को आयरन कैल्शियम दिया जाता है, तभी मदर को प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि वो जो खुराक है वो अंदर जाके बेबी को मिलनी होती है, उस बच्चे को मिलती है जो गर्भ में होता है, तो वहां से न्यूट्रिशन की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे 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 बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसको जो खाना पीना बाहर आके मिलता है, तो उसमें बच्चे आनाकानी करना शुरू कर देते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। आप सभी को पता है कि हरी सब्जियां जो होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और अगर हमें पूरा न्यूट्रिशन लेना है तो हमें हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। लेकिन ये भी आपको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन हरी सब्जियों को नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं फास्ट फूड, वो खाते हैं जंक फूड। वो सेहत को उनको नहीं पता कि सेहत ज्यादा जरूरी है बजाय की टेस्ट के। हम सभी, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी आजकल यही करते हैं, हम टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय की सेहत के। आयुर्वेदा क्या कहता है कि जो चीज
हमारी जीभ को अच्छी लगती है वो हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं होती है, और जो चीज जो है जीभ पे कड़वी लगती है वो हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है। आप सभी को पता है कि जो करेला है जो या जो नीम है अगर वो हम लेते हैं तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट होता है बहुत ही कड़वा, तो हम उसको लेना अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें वो टेस्टी नहीं लगती। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि अगर आपने हेल्दी रहना है तो आपको टेस्ट की बजाय हेल्थ को प्रेफर करना होगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम हेल्थ को ले सकते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है वो आप सभी को पता है कि हवा पानी और भोजन सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। हम इन चीजों को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल हो चुकी है। हमने हमारी हवा भी पॉल्यूटेड है इतनी ज्यादा, हमारा पानी भी पॉल्यूटेड है, हमारा भोजन भी इंजेक्टेड हो चुका है, पेस्टिसाइड से भरपूर है। इन चीजों को बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने भोजन में ऐसे न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं, ऐसे खुराक को ऐड कर सकते हैं जो हमें इन सभी के दुष्प्रभावों से बचा सकती है। तो आइए बात करते हैं हम, आप चैट बॉक्स में क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे रेनेटस वेलनेस के लिए जिन्होंने हमें इतने बढ़िया न्यूट्रिशन दिया है, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिया है कि जो हमें हेल्दी रखने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके टॉक्सिन को रिमूव करता है और हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में जिनमें सबसे पहले आता है हमारा रेनेटस नोवा। रेनेटस नोवा के बारे में आप सभी जानते हैं 12 जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा ये प्रोडक्ट है, और इन 12 जड़ी बूटियों के बारे में भी आप डेली बात करते हैं, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, इसको शॉर्ट में समझेंगे हम 12 की 12 जड़ी बूटियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले डाला गया है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो होता है वो सेहत के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्रेन की से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो नींद ज्यादा आती है, नींद कम आती है, कईयों की नसें ब्लॉक होने की वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है हमारा अश्वगंधा। आगे बात करें बिलबेरी की, बिलबेरी जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बिलबेरी में विटामिन के पाया जाता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर होता है जो शुगर के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है। उसके बाद बात करें एल्डरबेरी की, एल्डरबेरी जो होता है उसमें विटामिन सी जो होता है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये किसी भी तरह की एलर्जी के लिए बहुत बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे रेनेटस नोवा में डाला गया है। एल्डरबेरी के बाद बात करते हैं हमारे गोक्सुरा की। गोक्सुरा जो होता है हमारे पेट और गले से रिलेटेड चैलेंजेस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आगे बात करते हैं जिंको बाइलोबा की, जो कि हमारे नर्व के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। किसी की भी नसें ब्लॉक है तो उनके लिए जिंको बाइलोबा बहुत बढ़िया काम करता है। हमें रेडिएशन से बचाने का काम हमारा जिंको बाइलोबा कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मैंगोस्टीन की, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है सभी प्रोडक्ट का। तो उसके बारे में बात करें, ये एंटी एजिंग होता है। इसमें 43 टाइप के ज़ैंथोन्स पाए जाते हैं जो कैंसर किलर का काम कर सकते हैं और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारी बॉडी को जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फ्री रेडिकल्स जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उनसे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से बढ़ जाती है तब बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। यही फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी नसों के जरिए अलग अलग पार्ट्स पर पहुंचकर अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं तो पार्किंसन जैसी और ये फिट जैसी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। अगर ये हमारे जॉइंट्स तक पहुंचते हैं तो जॉइंट पेन, नी पेन जो होती है उनका कारण बनते हैं। अगर हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं तो हार्ट स्ट्रोक का, हार्ट कईयों को जैसे दिल का दौरा जो पड़ता है उसका रीजन यही फ्री रेडिकल्स ही होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इनके लिए जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट की जो हमें मिल रहा है हमारे रेनेटस नोवा में। इसके बाद बात करें, इसमें है मंजिस्ता जो कि ब्लड प्योरीफायर का काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल पे और स्टोन्स के ऊपर, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें, इसमें है पुनर्नवा जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है जिससे हमें भूख अच्छी लगती है, और जब भूख अच्छी लगती है तो हमारा जो बॉडी है, हम अच्छा खाना खाते हैं तो हेल्दी खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद बात करते हैं हमारा
अगला इंग्रेडिएंट है इसमें शतावरी, जो कि हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। मेल फीमेल दोनों में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम हार्मोन डिसबैलेंस की पाई जाती है वो फीमेल्स में पाई जाती है, तो फीमेल्स के लिए एक ये वरदान माना गया है हमारा शतावरी। उसके बाद है इसमें सफेद मूसली, जो कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जिसको जाना जाता है। मेल फीमेल में जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है। इसके साथ साथ इसके पैरालाइज पे और टीबी पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है इसमें साइबेरियन जिनसिंग, जो कि एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। पेन कैसी भी हो, चाहे वो बैक पेन है, लेग्स में पेन है, सर्वाइकल की पेन है, माइग्रेन की पेन है, सभी के लिए एक नेचुरल तरीके से पेन किलर का काम करता है और हमारे डीएनए को रिपेयर करके जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें बचाने में हमारी हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं हमारा शिगरू। शिगरू क्या है? शिगरू अकेला ही, अगर जो अकेला शिगरू है वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर 300 से ज्यादा बीमारियों में लड़ने में हमारी हेल्प कर सकता है। आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बोला जाता है कि अगर हमारे वात पित्त और कफ कंट्रोल में है तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, और ये जो शिगरू है हमारे वात पित्त और कफ को कंट्रोल में रखता है और साथ में हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ये थे हमारे रेनेटस नोवा के 12 इंग्रेडिएंट, जिनके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। आपको बताया, आपको ओवरव्यू दिया गया है इसके बारे में, आप सभी जानते हैं इसके बारे में और बड़े शॉर्ट तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं और आगे बता भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोसीन, जो कि बना है मैंगोसीन और एलोवेरा के कॉम्बिनेशन से। ये हमारे दांतों के साथ साथ हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, दांत पीले हो गए हैं, मुंह से बदबू आती है, तो उनके लिए हमारी एलोसीन है वो मैजिकल काम करती है और साथ में स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इससे फेस वॉश भी कर सकते हैं। अगर किसी को पिंपल्स होते हैं तो उनके ऊपर भी इस एलोस्टीन को लगाया जा सकता है, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नोवासीन, जिसमें है मैंगोसीन और एवोकेडो। मैंगोसीन आप सभी को पता है कि एंटी एजिंग होता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन पे जो झुर्रियां रिंकल्स टाइम से पहले पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है हमारा नोवासीन। और इसके साथ साथ इसमें डाला गया है एवोकेडो, जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, हमारे स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज भी करता है, हमें सन टैनिंग से भी बचाता है और सन से आने वाली अलग अलग तरह की रेज, यूवीए रेज, यूवीबी रेज जो आती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा एवोकेडो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है जेंथ प्रो। जेंथ प्रो के बारे में आप सभी को पता है कि ये कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इसमें कितनी हर्ब्स डाली गई हैं, क्या क्या है इस प्रोटीन में जो इतने बढ़िया हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये हमें डायबिटीज के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये हमारे डाइजेशन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये फ्री रेडिकल से बचाने का काम भी हमें करता है। वो कैसे करता है, चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप सभी के पास डायरी पेन मौजूद होगा, आप अपने डायरी पेन से नोट कीजिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किस किस के पास डायरी पेन है। अभी आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में पता चलेगा कि हमारे प्रोटीन में ऐसा क्या है जो इतना बढ़िया ये वर्क कर रहा है। यस, मान सिंह सर का मैसेज आया है, यस यस। किंग गुरमीत कौर जी का मैसेज आया है, यस। आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप अपने पास डायरी पेन रखिए और नोट कीजिए कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जेंथ प्रो में सबसे पहले डाला गया है हमारा मैंगोसीन, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में आप सभी को पता है। मैंगोसीन क्या होता है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो होता है बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो वेट लॉस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है ये मैंगोसीन एक्सट्रैक्ट, जो इसमें हमारे जेंथ प्रो में डाला गया है। उसके बाद इसमें एक और हर्ब डाली गई है, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट भी हमारे प्रोटीन में डाली गई है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि वो ब्रेन के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है, एक तरह का ब्रेन टोनिक माना गया है उसको, अश्वगंधा को, और डायबिटीज में हेल्प करती है हमारी अश्वगंधा, और हमारे स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल हर्ब जो हमारे जेंथ प्रो में है। इसके बाद इसमें डाला गया है शतावरी एक्सट्रैक्ट।
शतावरी एक्सेस के बारे में बात की है हमने कि वो हार्मोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हार्मोन सभी में होते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए शतावरी एक्सट्रैक्ट जो है बहुत बढ़िया है। इसके साथ इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शतावरी में पाई जाती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम हमारी ये सभी हर्ब करती हैं। उसके बाद इसमें डाला गया है लिकोरिक एक्सट्रैक्ट। लिकोरिक एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लिकोरिक एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन जो है उसको ग्लोइंग बनाता है, अगर हम इसको रेगुलर लेते हैं तो स्किन में एक अलग सा ग्लो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें डाला गया है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और टॉक्सिन जो है वो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है। एलोवेरा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत ही बढ़िया भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। उसके बाद इसमें डाला गया है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन के लिए तो ये बढ़िया है ही है। विटामिन सी जो होता है वो स्किन की लाइटनिंग भी करता है और स्किन की ब्राइटनिंग में भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद इसमें डाला गया है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो आईज के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में हमारी बोन हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ही बढ़िया है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आजकल आपको पता है कि बांझपन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो कहीं ना कहीं रीजन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल फीमेल दोनों में होता है, तो उनके लिए जो विटामिन ए है वो बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है जो हमारे ज़ेंथ प्रो में डाला गया है। इसमें विटामिन बी, बी के बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे विटामिन बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फाइव है, बी सिक्स और बी ट्वेल्व, ये सभी विटामिन बी जो है हमारे ज़ेंथ प्रो में है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं, कैंसर के ऊपर इनके बहुत बढ़िया रिजल्ट होते हैं और हमारे आईज और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये जो विटामिन बी के सभी पार्ट्स हैं ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। उसके बाद इसमें डाला गया है सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारे नर्व के लिए बहुत बढ़िया होता है, नसों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोडियम जो है बहुत बढ़िया है। ये मसल्स के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि कई बार सोए हुए हमारे लेग की नस चढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा पेन करती है, अगले दिन तक भी हमें पता चलता है कि हमारी नस चढ़ गई थी और इतनी ज्यादा पेन करती है, वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मसल्स होते हैं उनके लिए हमारा ये जो सोडियम है बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। और साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% तक पानी है, है ना, ये जो फ्लूड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है हमारा ये जो सोडियम इसमें डाला गया है। उसके बाद इसमें डाला गया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या काम करता है, मैग्नीशियम हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। एक्सरसाइज बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है ज़ेंथ प्रो हमारा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद इसमें डाला गया है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मौसम जब चेंज होता है तो आप सभी को पता है कि कईयों को कोल्ड कफ की दिक्कत हो जाती है, वो किस रीजन से होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या जाता है बैक्टीरिया और वायरस चले जाते हैं, तो ये जो क्लोरीन है वो हमें उन बैक्टीरिया और वायरस से बचाने का काम कर सकता है। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम आप सभी को पता है कि हमारे बोन्स के लिए कितना जरूरी होता है। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाइए, प्रॉब्लम कोई सी भी है वो आपको कैल्शियम और आयरन जरूर देगा, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आप प्रॉपर तरीके से चल फिर पाएंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और जब तक आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप वॉक नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। तो ये जो कैल्शियम है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है ये कैल्शियम। और
हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो किसी रीजन के कारण जब बीमार होते हैं तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हम लेना शुरू करते हैं तो वाइट ब्लड सेल बनने में भी हमारी हेल्प करता है हमारा ये जो कैल्शियम है। उसके बाद इसमें है पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और न्यूरो रिलेटेड चैलेंजेस के लिए पोटाशियम बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट माना गया है। अगर आपको किसी को इसमें मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी हो तो उसमें आप सभी को पता होगा कि जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब पेशेंट डायलिसिस तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसका पोटाशियम लेवल चेक किया जाता है। अगर पोटाशियम लेवल बढ़ा हुआ है, कम है, तो उसका बहुत ही साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो स्पेशली डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए। तो ये पोटाशियम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एक्सेस मात्रा भी ज़रूरी नहीं होती है। तो ये हमारे बोन्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा पोटाशियम। उसके बाद इसमें डाला गया है जिंक, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेटाबॉलिक सिस्टम है उनके लिए बहुत बढ़िया है हमारा जिंक। उसके बाद इसमें डाला गया है आयरन। आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन, जिसको हम खून बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर खून बनाने का काम करता है हमारा आयरन, और जिनकी हाइट न्यूट्रिशन की वजह से रुक चुकी है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आयरन की वजह से हाइट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हमारी ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है आयरन। और उसके बाद इसमें डाला गया है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के लिए और बोन्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा मैग्नीज। इसके बाद डाला गया है इसमें कॉपर। कॉपर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट, एक कोलेजिन नाम का एक तत्व होता है। कोलेजिन क्या करता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये जो कॉपर है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजिन को बनाता है, कोलेजिन को बना के तो उसके साथ हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत बढ़िया हो जाती है, स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। उसके बाद इसमें डाला गया है सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, हमें सेल डैमेज से बचाता है हमारी बॉडी को, किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन हो तो हमें उससे बचा सकता है हमारा सेलेनियम। उसके बाद आपने सुना तो सबने है कि इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ये आप सभी ने सुना है, लेकिन ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो फाइबर्स है वो होते क्या है। असल में वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के लिए जरूरी होता है। वैसे कहते हैं कि बैक्टीरियाज अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और हमारी लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद इसमें डाला गया है डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसमें, जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें डाला गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए, और हमारी किडनी के लिए, हमारे हार्ट के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि डालडा घी नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो लोगों ने डालडा खाना बंद कर दिया है, तभी ये जो कहते हैं ना कि घुटनों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, मेरे घुटने काम नहीं करते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि घुटने चेंज करने पड़ेंगे, ये तभी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हम बड़ी खुशी से कह सकते हैं कि हमारे ज़ेंथ्रो में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, जो कि हमारे घुटनों के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे किडनी हार्ट के लिए और हमारे नर्व सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसमें डाला गया है फैट। अब आप कहेंगे कि फैट की ज़रूरत तो होती ही नहीं है हमें, अगर हम फैट लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, फैट की ज़रूरत भी होती है बॉडी में, क्योंकि ये जो फैट होता है, जितना फैट इसमें डाला गया है वो फैट किस लिए डाला गया है, क्योंकि ये जो फैट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए डी और ई, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है, ये जो फैट इसमें डाला गया है। यही फैट हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारी आईज के लिए भी अच्छा है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है। देखिए, आप सभी ने प्रोटीन के बारे में पहले भी सुन रखा था कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, लेकिन
मुझे लगता नहीं है हमारे बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता था कि इसमें डाला क्या क्या गया है। तो आई होप आप सभी को आज क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी हर्ब्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं, जिनकी वजह से इतने बढ़िया इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आगे हमारा प्रोडक्ट है, हमारी रेंज है ब्यूटी रेंज, जिसमें ZenTouch में आ जाते हैं हमारा हैंड वॉश। जो हैंड वॉश है वो बना है मैंगोसीन, नीम और अकाई के कॉम्बिनेशन से। ये जो तीनों, मैंगोसीन आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो नीम और अकाई है वो 100% जर्म्स को किल करने में हमारी हेल्प कर सकता है। आगे है हमारा ZenTouch बॉडी क्लेंजर, जो कि बना है मैंगोसीन, सिगरू और एल्डर फ्लावर की खुशबू से। मैंगोसीन और सिगरू ये दोनों ही स्किन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ में जो इसमें एल्डर फ्लावर की खुशबू डाली गई है वो बहुत ही बढ़िया एक खुशबू है। जैसे एरोमेटिक खुशबू, आप किसी भी सलोन में जाते हैं ना तो वहाँ पे पहले से खुशबू वाले वो कैंडल्स लगाए जाते हैं ताकि हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिले कि यहाँ पे हमें रिलैक्स होना है। तो ये अगर आप बॉडी वॉश यूज करेंगे तो उससे भी आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है, वो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। बॉडी तो क्लीन होनी ही होनी है, आप कोई सा भी अगर बॉडी वॉश यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये जो खुशबू है वो स्पेशली आपके ब्रेन के लिए डाली गई है ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो सके। तीसरा है हमारा ZenTouch हेयर क्लेंजर, जिसमें डाला गया है मैंगोसीन, शिकाकाई और ब्रह्मी। मैंगोसीन हमारे स्कैल्प के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो शिकाकाई और ब्रह्मी है वो आप सभी ने सुना होगा, पुराने समय से ये यूज किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे दादी नानी के टाइम पे इनको यूज किया जाता था, और ये हमारे बालों के लिए किसी भी तरह के कोई भी चैलेंज है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट माने गए हैं। हमारे बालों से रिलेटेड, जैसे बाल झड़ते हैं, बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये थी हमारी ZenTouch रेंज। आगे हमारे जो न्यू अभी प्रोडक्ट्स आए हैं, हमारा सबसे उसमें से पहला प्रोडक्ट है हमारा कड़ायु, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा है, अगर जीना चाहते हो लंबी आयु तो चाय छोड़कर पीजिए कड़ायु। जी हाँ, क्या है ऐसा कढ़ाइयों में जो हमारी लाइफ को बढ़ा सकता है? क्या है ऐसा, क्यों कहा जाता है कि अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो इसको जीना पीना शुरू कर दीजिए? तो आइए जानते हैं कि हमारे कढ़ाइयों में ऐसा क्या क्या है। इसमें भी 18 तरह की हर्ब्स डाली गई हैं, एक एक करके उनसे उनपे ऊपर बात करते हैं। ये ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी डेली रूटीन में हम किचन में भी यूज करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। हम इसमें साइंटिफिक नेम हमने पढ़े हैं तो कई बार समझ नहीं आता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं इसमें डाली गई हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले डाला गया है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे रेनेटस नोवा में भी है, अश्वगंधा हमारे प्रोटीन में भी है, अश्वगंधा हमारे कढ़ाइयों में भी है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये अश्वगंधा जो होता है ये एक ब्रेन टॉनिक होता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उसको लेना शुरू करते हैं तो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए वो बहुत ही बढ़िया है, हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट। तो आगे इसमें डाला गया है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को। हल्दी हमारी किचन में अवेलेबल होती है, जब किसी को चोट लगती है तो आप सभी को पता है ना, दूध में हल्दी डाल के दी जाती है उसको, ताकि उसके जो जख्म है वो जल्दी भर जाए। तो वाउंड हीलिंग का काम करती है हमारे टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस प्रणाली, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है एक इंग्रेडिएंट जो इसमें डाला गया है। उसके बाद इसमें डाला गया है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन होती है दालचीनी, वो भी इजीली अवेलेबल होती है। दालचीनी का क्या काम होता है? दालचीनी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है, और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर किसी भी तरह की सूजन है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया होती है। इसमें है हमारा मैंगोसीन एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो एंटी एजिंग भी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। लोग स्पेशल ग्रीन टी पीते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए। तो इसमें हमें खुशी होनी चाहिए, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, और उसके साथ साथ मेंटल अलर्टनेस के लिए भी ये ग्रीन टी बहुत बढ़िया होता है। इसमें डाला गया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है और हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है ये।
इसमें डाला गया है जिंजर एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंजर बोलते हैं अदरक को, अदरक डाला गया है इसमें जो कि हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। डिप्रेशन के ऊपर अदरक के बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको रेगुलर देंगे तो डिप्रेशन वाले लोग अगर इसको रेगुलर सुबह पीते हैं तो उनका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। इसमें डाला गया है तुलसी एक्सट्रैक्ट। तुलसी हम पुराने समय से यूज करते आए हैं, किसी को भी फीवर होता है तो पानी में उसके पत्ते उबाल के पिए जाते हैं, चाय में डाल के पिया जाता है तुलसी को, जो हमारे कोल्ड के लिए भी अच्छा है और फीवर के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ इसके किडनी स्टोन के ऊपर भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हार्ट डिसीज के लिए तुलसी बहुत अच्छी होती है। इसमें डाला गया है शंख पुष्पी एक्सट्रैक्ट, जो कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर आप बच्चों को देते हैं, जैसे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, और इंसोमनिया के ऊपर जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद कम आती है या ज्यादा आती है, उनके लिए शंख पुष्पी बहुत ही बढ़िया इंग्रीडियंट है। इसमें डाला गया है कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं धनिया। उसमें विटामिन के होता है कोरिएंडर में, जो हमारे हार्ट के लिए, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती हैं, तो ये जो है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन और हेयर के लिए कोरिएंडर बहुत बढ़िया होता है। इसमें डाला गया है क्लव एक्सट्रैक्ट। क्लव बोलते हैं लौंग को। लौंग किसके लिए? लौंग हमारे हार्ट के लिए, हमारे शुगर के लिए और कैंसर के लिए लौंग को बहुत ही बढ़िया माना गया है, जो हमारे कढ़ाइयों में डाला गया है। इसमें डाला गया है नटमेग। नटमेग एक्सट्रैक्ट, आपको ये सभी जो मैं बोल रही हूँ इंग्रीडियंट, ये सभी इसके पैकेट के पीछे लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसमें नटमेग एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिसको हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं जायफल। जायफल डाला गया है, जो हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। इसमें डाला गया है मलट्ठी। मलट्ठी हम स्पेशली लेते हैं खांसी के लिए, गले के लिए हमारा मलट्ठी जो है बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है, और कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर भी मलट्ठी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें डाला गया है अडल्सा एक्सट्रैक्ट। अडल्सा को मालाबर नट भी बोलते हैं, और ये कफ, कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। इसमें डाला गया है एक्नीशिया। एक्नीशिया हमारे कफ के लिए, हमारे फीवर के लिए और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें डाला गया है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होता है एक तरह का ब्रेन टॉनिक होता है, ये हमारी एंग्जाइटी को दूर करता है, हमें डिप्रेशन से बचाने का काम कर सकता है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट। इसमें डाला गया है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा एक साइंटिफिक नेम है, अगर आप इसके बारे में सुनेंगे कि इसका हिंदी में नेम क्या है तो आप हैरान होंगे। ऐसा फोइटिडा को बोलते हैं हींग, जो कि रेगुलर हमारे वेजिटेबल्स में यूज होती हैं। हमारे हम कहते हैं ना कि वायवादी ना हो ये जो दालें होती हैं उनसे, तो उसके लिए उसमें थोड़ी सी हींग डाली जाती है, तो वो हींग जिसका नाम है ऐसा फोइटिडा, वो हमारे कढ़ाइयों में डाली गई है। ये हींग डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। और हींग के लिए एक चीज और बताऊं आपको, ओपीएम का एंटीडॉट माना गया है। अब आप ओपीएम के बारे में सोचेंगे, ओपीएम बोलते हैं ये जो नशा करते हैं, जिसका लोग अफीम भुक्की वगैरह खाते हैं, तो वो उसको ओपीएम बोला जाता है, तो उसका एंटीडॉट माना गया है इसको एसाफोइटिडा को। तो नेक्स्ट है इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इसमें विटामिन सी जो होता है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हेयर ग्रोथ के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। हमारे स्किन के ऊपर जो डार्क सर्कल आने शुरू हो जाते हैं, अगर इसका रेगुलर उपयोग हम करेंगे तो स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। तो ये थे हमारे 18 तरह की जड़ी बूटियां जो हमारे कढ़ाइयों में डाली गई हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में अच्छा लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट, हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट जिसका नाम है इम्यूजेंथ। इसके नाम से ही पता चलता है इम्यूजेंथ, इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर, इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर है ये हमारा। इसमें भी बहुत तरह की हमारे जो बेरीज इसमें डाली गई है, 19 तरह की बेरीज जो है इसमें डाली गई है हमारे इम्यूजेंथ में।
अच्छा, अब लोग कहते हैं कि हमारा ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। लोग कहते हैं कि हमारा जो नैनेटस नोवा है वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारा प्रोटीन भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारा कढ़ाई भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो इसकी जरूरत हमें क्यों है, इम्यूनिटी की जरूरत क्यों है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रेनेटस नोवा है वो हम डायलिसिस वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, लेकिन इम्यूजेंस हम डायलिसिस वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं। ये क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज में भी दिया जा सकता है, जो पेशेंट बेड के ऊपर पड़ा हुआ है आप उसको भी दे सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। इम्यूजेंस किसी भी प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। इम्यूजेंस मेन काम करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेट का मतलब आप सभी को पता है, आपको पता है कि हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हवा में होती है ऑक्सीजन, है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है सांस लेने के लिए। लेकिन अगर वही हवा बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे फेस के ऊपर पड़नी शुरू हो जाए तो क्या हम उसमें सांस ले पाएंगे? वही हवा हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। अगर वो तूफान के रूप में आ जाए, वो सुनामी के रूप में आ जाए, तो वही हवा हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे ही अगर ये जो हवा है, आपने देखा होगा अगर हम सेब काट के रख देते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ जो टच में आता है तो वो सेब क्या होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो ऑक्सीडेट हो जाता है। ऐसे ही जो लोहा होता है वो हवा के प्रभाव में आके उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। तो यही हवा है, यही जो ऑक्सीडेशन है, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। इसी ऑक्सीडेशन से हमें बचाने के लिए हमारा ये प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट में उतारा गया है, रिसर्च के बाद इसको उतारा गया है, जिसका नाम है इम्यूजेंस। इसमें बहुत तरह की बेरीज डाली गई हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी बेरीज हैं इसमें। इसमें है मैंगोस्टीन सबसे पहले, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है सभी प्रोडक्ट का। मैंगोस्टीन एंटी एजिंग होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसमें डाली गई है अकाई बेरी। अकाई बेरी जो होती है वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। इसमें डाली गई है गूसबेरी। गूसबेरी फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसमें विटामिन ई और सी होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, शुगर लेवल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें डाली गई है क्रैनबेरी, जो यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें डाली गई है स्ट्रॉबेरी, जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर स्ट्रॉबेरी उनको दी जाती है। स्ट्रोक, जो हार्ट स्ट्रोक आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपने एक बात नोट की है कि पीछे हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला जी को सुना है, जबकि वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, है ना। राजू श्रीवास्तव जी को सुना है, ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिमिंग करते हैं, रेगुलर जिमिंग करते हैं अपनी सेहत के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब जिमिंग की जाती है, जिम जब हम करते हैं, तो जिम के टाइम पे सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, तो उसके लिए उतने ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स की भी जरूरत होती है। तो हो सकता है उनकी एंटीऑक्सीडेंट्स में कमी रही हो, तभी उन्हें हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, तभी उनको हार्ट अटैक आया था। तो जो भी लोग जिम करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसमें डाला गया है गोजी बेरी, जो कि हमारे डीएनए को रिपेयर करने का काम कर सकता है, हमारी लिपिड, जो लीवर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें डाला गया है चेरी, जिसमें विटामिन सी, ए और के होता है, जो हमारे जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा बहुत कम होती हैं, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे हार्ट और शुगर लेवल के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें डाला गया है रेस्टबेरी, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमें ओमेगा 3 मिलता है हमारे रेस्टबेरी से, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें है बिलबेरी, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, डायरिया के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें है ब्लैक करंट, जो कि इन्फेक्शन से बचाने में, हमें वायरस से बचाने में और हमारी बॉडी को ओमेगा 6 देने में हमारी हेल्प करता है, ब्लैक करंट। इसमें है ब्लूबेरी, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करके एक अच्छी हेल्थ देने में हमारी हेल्प करती है। इसमें है रेड बेरी, जो कि ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए बहुत अच्छी होती है।
मोटापे को कंट्रोल करती है और इसमें और साथ में हाइपरटेंशन के लिए बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया होती है रेडबेरी। इसमें है सी बकथॉर्न जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। साथ में सिरोसिस के नाम की आपने स्किन प्रॉब्लम सुनी होगी, उनके लिए ये सी बकथॉर्न बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट है। इसमें डाली गई है हकलबेरी जो कि ब्लड शुगर के लिए, हमारे किडनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ट्यूमर के लिए बहुत अच्छी होती है हमारी जो हकलबेरी है। जिन लोगों को ट्यूमर, चाहे वो ब्रेन में चाहे पेट में कहीं पे भी ट्यूमर है, उनको अगर आप इसको देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें है स्टोनबेरी जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे वेट को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें है मलबेरी जिसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और विटामिन सी होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित करने में और कैंसर के रिस्क से हमें दूर करने में हमारी हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें डाला गया है ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ग्रेप बोलते हैं अंगूर को, अंगूर का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जिसमें पोटाशियम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूड्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है और हमारे बीपी के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी आज के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो कि मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को आज मिला होगा, 100% श्योर हूँ कि आपको नई नॉलेज यहाँ से सीखने को मिली होगी। और लास्ट में मैं थैंक्स करती हूँ मेरी फिर से सभी ग्रेट अप्लायंस का, क्योंकि थैंक्स करती हूँ आप सभी का जो अभी तक इस मीटिंग में बने हुए हैं, और थैंक्स करती हूँ मेरी सभी ग्रेट अप्लायंस का क्योंकि उनकी वजह से मैं सिस्टम के साथ जुड़ पाई हूँ, उनकी वजह से मैं ये नॉलेज इकट्ठी कर पाई हूँ, यहीं से सीखा है सब कुछ और यहीं से सीख के आपके साथ शेयर किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी टीम्स में आप ये नॉलेज को आप आगे शेयर करेंगे, और जितने भी लोग आज यहाँ पे नए जुड़े थे उनको लग रहा होगा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको याद कैसे करेंगे, आप जैसे जैसे इसको आगे बताएंगे आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा। अगर कोई आपको कह देता है कि हमें कढ़ाई, आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं, वो कहेंगे कि हमारा जो पेट है वो खराब रहता है, हमारा डाइजेस्टिव, हमें भूख कम लगती है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा फर्टीडा जो हींग है वो इसमें डाली गई है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कोई कहेगा कि हमारे बच्चे का दिमाग कम काम करता है, तो आप कहेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में अश्वगंधा डाली गई है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे प्रोडक्ट्स में ब्राह्मी डाला गया है जो ब्रेन टॉनिक होता है, तो आप उनको ऐसे प्रमोट कर सकते हैं। जब आपको इनके इंग्रेडिएंट के बारे में पता होगा तो आप अच्छे से इसको प्रमोट भी कर पाएंगे और आपमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमें पता है हमारे प्रोडक्ट्स में कौन से इंग्रेडिएंट है जो किस चीज पे काम करते हैं। तो ऐसे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बड़े बहुत बड़े लेवल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा ये सेशन, और आप आगे इसको प्रमोट भी करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को बहुत बड़े लेवल पे। और जिन सपनों को लेकर आप इस रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हैं आपके वो सभी सपने पूरे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है और आगे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करता जा रहा है। मेरी लाइफ चेंज हुई है तो डेफिनेटली आप सबकी लाइफ भी चेंज होगी। इसमें जितने भी नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आपको जितने भी इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठिए और इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लीजिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मेरी सभी ग्रेट रिस्पेक्टेड अपलाइंस, आपका जितनी बार भी थैंक्स करूँ उतना भी कम है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे अलग पहचान मिली है, आपकी वजह से मैं कमांडो ट्रेनिंग तक पहुंच पाई हूं, आपने मुझे इतना सिखाया है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी बोल भी सकती हूं, आपने कहा है कि तो आप बोल सकते हो, तो तभी मैंने बोलना शुरू किया है और आज आपके सामने है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू, वेल डन मैम, इट वॉज अ ग्रेट सेशन। और पूरे टाइम पर मैं देख रहा था मैसेजेस की बुझार आ रही थी और सेशन फैबुलस था।